सड़कें चौड़ी हो गई, ठेकेदार को पैसे भी मिल गए। सड़कें चौड़ी हो गई, ठेकेदार को पैसे भी मिल गए, इंजीनियर और मंत्री भी खुश हैं अपनी जगह। सड़क के दोनों किनारे जगह भी बना ली है अपनी ठेले वालों ने। दुकानें भी सज गई है पहले जैसी, सड़कें फिर छोटे दिखने लगी अतिक्रमण से। पेड़ बेचारा मुफ्त में ही काटा गया इस विकास यात्रा में। मित्रों नमस्कार, मैं नरेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहारी लाल से। मित्रों आज पृथ्वी दिवस है, इस पर आपको हार्दिक शुभकामना देते हैं। मित्रों यह धरती महज सूर्य के चारों ओर घूमता हुआ ग्रह नहीं है, बल्कि सभी प्राणियों का प्रश्रय पोषण प्रदान करने वाली जीवनदायिनी माँ है। मित्रों आजकल बुलडोजर की चर्चा देशव्यापी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो अब बुलडोजर बाबा भी कहलाने लगे हैं। देश की उच्चतम न्यायालय में भी इससे अछूता नहीं है। प्रसिद्ध सुप्रीम कोर्ट में तो देश के पूर्व मंत्री व कांग्रेसी नेता सिब्बल इसका ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। मित्रों आपने अभी हाल ही देखा, जहांगीरपुरी में बुलडोजर ने क्या काम किया, और यह एक अतिक्रमण है। इससे ज़्यादा कष्टकारक यह है कि इसके आड़ में धर्म और राजनीति की भी चर्चा खूब हो रही है। इसके सिर्फ सिर्फ यही कहा जा सक रहा है कि एक पार्टी विशेष और एक कौम पर विशेष चोट कर रही है। यह चर्चा नहीं हो पा रही है कि किस ढंग से सार्वजनिक संपत्ति को अपना निजी संपत्ति बनाया गया। आम लोगों को हो रही कष्ट को क्यों दरकिनार किया जा रहा है। मुल्क के कई हिस्सों में इतने बड़े पैमाने पर कब्जा और अतिक्रमण क्यों किया गया है, और पूर्व में भी सरकार क्यों देखती रही है, यह सवाल उठता है। यह सवाल हमको आपको अपने से भी करना होगा। उस वक्त लोगों को कानून की प्रक्रिया की जानकारी नहीं थी क्या? मुजफ्फरपुर को ही लीजिए, आप यहाँ देख रहे होंगे कि अतिक्रमण हटाने के लिए निगम प्रशासन बार बार कदम उठा रही है, फिर क्या हो रहा है? सड़कें पर मंदिर और मजार तक बने हैं, आवागमन में असुविधा हो रही है। छोटे मोटे सब्जी बेचने वाले तो सड़क पर बैठे हैं, अगर आप कुछ बोलते हैं तो आप पर शामत आ जाएगी। आप कुछ नहीं बोल सकते, लोग सार्वजनिक स्थलों को अपना मान बैठे हैं, शहर के तालाबों तक को नहीं छोड़ा है। यह आपसे छिपा हुआ नहीं है। आखिर ऐसा लोगों को ताकत कहाँ से मिलती है, यह भी सवाल उठता है। और राजनीति करने वाले लोगों को और राजनीति करने वाले लोगों के सह पर यह अतिक्रमण होता रहा है, जो देश के लिए कतई शुभ संकेत नहीं हो सकता। यह एक देशव्यापी समस्या बन चुका है। अगर आज हम नहीं सुधरे तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। वोट बैंक के लिए इस ढंग की ओछी खेल को चलने देना नहीं चाहिए। इससे आपका और देश की सूरत बदरंग हो जाएगी, और आने वाली पीढ़ी किसी को माफ नहीं करेगी। भूमि पर कब्जा करना एक कुचेष्टा है। भूमि हमारी नहीं है, बल्कि हम भूमि के हैं। इस भूतल को अच्छी तरह आने वाली पीढ़ी के लिए हमको छोड़कर जाना चाहिए, तभी आपका और हमारा जीवन सार्थक बन सकता है। मित्रों उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसे लाइक करना शेयर करना नहीं भूलेंगे। जय हिंद जय भारत। कुछ आगे